नमस्कार, मैं नित्यानंद शुक्ला, रिपोर्टर पोस्ट से। आपका आपकी बात आपके साथ में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दो मुद्दों को लेकर, एक झारखंड का और एक बीजेपी का। झारखंड में नियोजन नीति, जी हाँ, दिसंबर में हाईकोर्ट के स्ट्राइक डाउन किए जाने के बाद बहुत चर्चा रहे, अभ्यर्थी निराश रहे। राज्य सरकार ने वादा किया था कि जो स्टूडेंट चाहेंगे, अभ्यर्थी चाहेंगे, उन्हीं के अनुसार होगा। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और नई नियोजन नीति को बनाने पर चर्चा हुई। इस नियोजन नीति में इस ढंग से बनाने पर अब चर्चा हो रही है ताकि इसको लेकर कोई कोर्ट ना जाए, क्योंकि अभी तक की जितनी नियोजन नीतियाँ बनी हैं वो कोर्ट गई हैं और कोर्ट में उसे खारिज होना पड़ा है। अब झारखंड सरकार कमर कसी है कि एक ऐसी नियोजन नीति बनाएंगे जो स्टूडेंट्स के हित में हो, कोर्ट में चैलेंज न किया जाए और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को तेजी लाया जा सके ताकि जो बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी मिल सके। अभी तक जो बातें छनकर आ रही हैं उसमें ये है कि जो 10+2 की बाध्यता की गई थी कि झारखंड से है, उस पर ख़त्म करने की चर्चा हो रही है। दूसरा, जो रीजनल लैंग्वेज को बाध्य किया गया था और उर्दू को हर जिलों में, उसमें भी कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं। हिंदी को भी इंक्लूड करने का प्रयास चल रहा है। कुछ जो झारखंड के लोग हैं वो चाहते हैं कि खतियान आधारित ही ये नियोजन नीति बने। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये नियोजन नीति कैसी आती है और कोर्ट के दायरे से लोग ये बाहर रहेगी या ये कोर्ट में जाएगा। उम्मीद किया जा रहा है, जो सरकार में लोगों से बात हुआ है, कि इस पर चर्चा चल रही है और इसका ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसमें लीगल एक्सपर्ट से भी सलाह लिया जा रहा है ताकि अन्य राज्यों में क्या है और वहाँ पर इसे कोर्ट के में और जो जाता भी है तो टूटे नहीं, क्योंकि अभी तक जो भी नियोजन नीतियाँ बनी हैं उसमें कुछ न कुछ खामियाँ रही हैं जो कोर्ट में जाकर टूट जाता है, निरस्त हो जाया करता है। तो इस बार प्रयास ये हो रहा है कि झारखंड के लोगों को हित को भी ध्यान रखा जाए और कोर्ट के दायरे से भी ये बाहर रहे और बेरोजगार युवकों को रोजगार भी मिले। उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले जो कैबिनेट मीटिंग होगा जनवरी में के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक तक इसका एक स्वरूप तैयार हो जाएगा और फरवरी में बजट सेशन या उसके आसपास में सरकार नई नियोजन नीति को लेकर लोगों के सामने आ सकती है। युवा की निगाहें इस पर टिकी हुई है और उन्हें बहुत उम्मीद है। इस पर लीगल ल्यूमिनरीज के साथ भी कंसल्टेशन हो रहा है और कुछ अन्य राज्यों के नियोजन नीति को भी ध्यान में रखा जा रहा है ताकि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें इसमें प्रिफ्रेंस मिल सके, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नियुक्ति हो सके और नियुक्ति प्रक्रिया बाधित भी ना हो। तो देखना ये होगा कि ये नियोजन नीति, उम्मीद किया जा रहा है कि फरवरी में बनकर तैयार हो जाएगा, कैबिनेट से भी पास हो जाएगा और लोगों के बीच में आएगा। सलाम मशविरा जारी है। दूसरा अहम मुद्दे पर बात करते हैं बीजेपी। जैसा हमने पहले भी बताया था कि बीजेपी का कैबिनेट एक्सपेंशन नरेंद्र मोदी सरकार का होना है। इसमें कुछ मंत्री ड्रॉप किए जा सकते हैं, कुछ को इंक्लूड किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था कि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्हें हो सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह फिर से मिले। तो सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। क्या वो झारखंड से हो सकता है, क्या उड़ीसा से हो सकता है, बिहार से हो सकता है, उत्तर प्रदेश से हो सकता है या किसी साउथ के राज्यों से हो सकता है। कुछ नामों पर चर्चा चल रही है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बने रहेंगे और उन्हें 2023 में बहुत सारे इम्पोर्टेंट बिल्स हैं जिसको उन्हें
पास कराना है। इसलिए उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल में बने रहने की पूरी संभावना है। तो नए अध्यक्ष कौन होंगे? जो बीजेपी के जानकार हैं उनका ये कहना है कि बीजेपी में धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान को एक महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। वो महत्वपूर्ण भूमिका पार्टी में होगी या मंत्रिमंडल में ही होगा, ये तो आने वाले समय में है। लेकिन इशारों को समझे तो हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान को पार्टी में ही एक बहुत बड़ी भूमिका मिले, जिसके नेतृत्व में बीजेपी 2023 और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े। कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस पर मुहर इस महीने के अंत तक लग जाएगी, जब कैबिनेट का विस्तार होगा नरेंद्र मोदी सरकार का। फिर हम कल मिलेंगे कुछ और मुद्दों के साथ। तब तक आप देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।